अभी आप 83 मूवी देख के आ रहे हैं, जो प्रेस तो रखा गया था बॉम्बे में, सब क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में? फिल्म के बारे में आप कह रहे हैं कि टेस्ट अभी फिल्म है, बेहतरीन फिल्म, जबरदस्त फिल्म है। फर्स्ट हाफ अगर काफी इतना ग्रिपिंग नहीं था फर्स्ट हाफ जिस तरह से शूट किया गया, लेकिन सेकेंड हाफ आपको चौंका देता है। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है सेकेंड हाफ। इमोशंस है, कॉमेडी है, हर चीज़ है, एक रोलर कोस्टर राइड है सेकंड हाफ जो है फिल्म का। बहुत ही जबरदस्त सेकंड हाफ। रणवीर दीपिका के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो अभी रियल लाइफ में भी जोड़ी और फिल्में भी दिखाया गया है, कपिल देव की जो वाइफ बनी है दीपिका पादुकोण, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, फिल्म में भी जिस तरह से उन्होंने जो किरदार निभाया है दीपिका ने कपिल देव की जैसे वाइफ की, बिल्कुल वैसे ही वही एकदम सेम किरदार है उनका। उनका जो हेयर स्टाइल है वो भी सेम है कपिल देव की वाइफ से मिलता जुलता, काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी है जो कपिल देव की वाइफ है। रणवीर के बारे में क्या कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त काम किया रणवीर ने, जिस तरह से हमेशा करते हैं वो, लेकिन इस फिल्म में जैसे कपिल देव रियल लाइफ में है, जिस तरह से कपिल देव बात करते हैं, कपिल देव का जो हेयर स्टाइल है, कपिल देव का जैसे दांत है, उनकी मुस्कैच है, वो सारा किरदार बिल्कुल फिट होता है जिस तरह से काम किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया रणवीर ने, और भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, एकदम नेचुरल है रणवीर से। आपको मूवी में एकदम फनी सीन क्या लगा, जितना फनी जो एकदम हंसाने वाला हो? मैं आपको बताऊँ कि फनी सीन इतने हैं मूवी में, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एक फनी सीन है या फर्स्ट हाफ में फनी सीन है। पूरी फिल्म में एक इमोशंस के साथ में कहीं फनी सीन है, और आपको वो फिल्म पूरी की पूरी एक फन राइड पर लेके जाती है, इमोशंस के साथ में आपकी खेलती है, एक ओवरऑल एक फुल पैकेज फिल्म है। और कबीर खान का को डायरेक्शन कैसा लगा, जो एकदम बाकी सब मूवी से और इसमें जो क्रिकेट की मूवी में अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन है, अनएक्सपेक्टेड है। उन्होंने जो रियल लाइफ को जिस तरह से पर्दे पर लेकर आए कबीर खान, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन है। पहले भी उन्होंने कई फिल्में बनाई है, बट दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म। और क्रिसमस के मौके पर मतलब ये मूवी के साथ में जर्सी भी आ रही है, मतलब क्रिसमस के वीक में एक साथ दो क्रिकेट की मूवी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जर्सी भी आ रही है तो एक टफ कंपटीशन होगा, देखना होगा कि अब जर्सी कैसी बनी है, वो भी स्पोर्ट्स के ऊपर है। और ये फिल्म जिस तरह से इतनी मेहनत से बनाई गई है, जिस तरह से इमोशंस है, जिस तरह से ये फिल्म इतनी ग्रिपिंग है, तो जर्सी के रेस के साथ में खड़ा होना, इस तरह से जर्सी बनी हम तो वो तो देखना होगा, जब तक जर्सी नहीं देखी है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। आप 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? स्टार देना, लेकिन मैं 5 में से बिल्कुल 4 देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।